नमस्कार, मैं अभिषेक श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के अंतर्गत संकलित किए गए एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता केस स्टडी के अंतर्गत झारखंड राज्य के एक नवाचारी शिक्षक के द्वारा शेयर किए गए एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है बाल शिकायत पेटी। शिक्षक ने हमको बताया कि बच्चे विद्यालय से अधिक समय अपने समुदाय में अपने मित्रों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ विद्यालय के बाहर व्यतीत करते हैं। वहां हो रही अच्छी बुरी अलग अलग प्रकार की घटनाओं का असर उनके शिक्षण में, उनके चरित्र पर सीधा पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे समुदाय में कई प्रकार की कुरीतियां चल रही हैं जिनका निवारण आज तक नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं उसके बारे में जागरूकता फैलाना भी हमारे विद्यालय का अर्थात हम सभी शिक्षकों का कार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक ने एक आइडिया निकाला जिसका नाम है बाल शिकायत पेटी। इसके अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक ने बोला कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता फैलाएंगे, जो भी हमारे विद्यालय के आसपास कुरीतियां चल रही हैं, क्या अच्छी बात है क्या गलत बात है, इन सब चीजों की जानकारी बच्चों में देंगे। और उसके बाद हम विद्यालय में एक बॉक्स बनाएंगे। वो बॉक्स किसी भी प्रकार से तैयार किया जा सकता है, हो सकता है कोई पुराना गत्ते का डब्बा पड़ा हो, बच्चों को निकाल के दे दिया, बच्चों की क्रिएटिविटी देखने के लिए उसको बच्चों से ही सजवा दिया और उस बॉक्स को विद्यालय में किसी एक निश्चित स्थान पर रख दिया गया। इसके बाद बच्चों को मोटिवेट किया गया कि आपको विद्यालय से बाहर अपने समुदाय में जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बारे में आप शिकायत लिख के इस पेटी में डालें। जब वह पेटी खुलती है, चाहे हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, तो उसके अंदर जो भी पर्चियां बच्चे डालते हैं उनको निकाला जाता है, उनमें पढ़ा जाता है कि इसमें बच्चों ने क्या शिकायतें लिखी हैं और उनका निवारण भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने उसमें लिख के दिया कि मेरा मित्र राजू विद्यालय नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बाल मजदूरी पर लगा रखा है और बच्चों को ये पहले से सिखाया गया था कि बाल मजदूरी एक कानूनन अपराध है। अब शिक्षक ने जो हमारे गांव के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनको लिया, उनकी एक कमेटी बनाई और उन सबके साथ राजू के पेरेंट्स से जाकर मिले और उस समस्या का निवारण करने की चेष्टा की, उनको समझाया कि बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, आप ऐसा करेंगे तो कानून के तहत आपको सजा भी हो सकती है। इसी प्रकार की कई और समस्याओं का समाधान वहाँ पे शिक्षकों ने समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से और अलग अलग पेरेंट्स की सहायता से वहाँ पे किया, और आगे जाके देखा गया कि समाज में फैली हुई कुछ कुरीतियों का भी उन्होंने निवारण करने की चेष्टा की, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की चेष्टा की। इस नवाचार के प्रयोग से दो डायरेक्ट फायदे होते हैं। पहला फायदा बच्चों को होता है कि उनके अंदर अच्छे बुरे की जानकारी आती है और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि हमारे समाज में कितने प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, और साथ ही साथ समाज को फायदा यह होता है कि उस कुरीतियों से बाहर लाने में विद्यालय उनका सहयोग कर रहा है। यह आइडिया मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी अपने विद्यालय में इसे संप्रयोग में अवश्य लाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI के फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें। आपका बहुत बहुत कर क्या रही है।